सीकर के सांवलोदा पुरोहितान गांव में अपनी मांगों को लेकर एक किसान पिछले 3 दिन से मोबाइल टावर पर बैठा है। अपनी मांगों को लेकर जुगल किशोर 3 दिन पहले टावर पर चढ़ा था, जिसकी सूचना मिलने पर धोत तहसीलदार सहित पुलिस मौके पर पहुंची और टावर पर चढ़े व्यक्ति को नीचे उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन समझाइश के बाद भी किसान टावर से नीचे नहीं उतरा। फसलों के मुआवजे के मांग को लेकर टावर पर चढ़े किसान को पुलिस और प्रशासन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत क्षेत्रीय विधायक भी किसान को समझाने गांव में पहुंचे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। जी हाँ, अक्सर गांवों में आजकल ये चीज़ें दिखती है कि अपनी मांगों को पूरी करने के लिए या तो लोग टंकियों पर चढ़ जाते हैं या टावर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन फसल के मुआवजे के लिए इस तरह की मांग का ये अनूठा ही मामला सामने आया है। इस पर और जानकारी लेने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं हमारे वहां के संवाददाता से बात करने का। आप देख सकते हैं किस तरह से गांव वालों ने टावर के आसपास ही डेरा जमा लिया है, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो और वह व्यक्ति जो ऊपर चढ़ा हुआ है वह सकुशल नीचे आ जाए। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, आनंद सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल, बताइए आनंद, क्या मामला है ये? सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये किसान पिछले 3 दिन से टावर पर चढ़ा हुआ है, ये मुआवजे की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा था। हालांकि प्रशासन ने काफी समझाइश के प्रयास किए, लेकिन अभी तक भी ये समझ नहीं पा रहा है और नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में ग्रामीण भी किसी तरह की अनहोनी ना हो तो ग्रामीणों का जमावड़ा भी वहाँ टावर के पास लगा हुआ है और पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और उसको लगातार समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि धोत विधायक भी वहां मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी उसको समझाने का प्रयास किया और उसकी मांग पर अमल सरकार तक पहुंचाने की बात भी कही, लेकिन अभी तक युवक अपनी बात पर पूरी तरह अड़ा हुआ है। और दूसरी में सुनील, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही इसको पानी और खाना देने युवक दूसरा ऊपर पहुंचा तो उसको भी इसने बैठा लिया था और काफी समझाइश के बाद वो युवक वापस नीचे टावर से उतर पाया। जी सुनील, तो क्या इसके पास इस लू से बचने के लिए पर्याप्त पानी और खाना है इस समय? लू से बचने का कोई साधन इसके पास नहीं है। हालांकि खाना और पानी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा जा रही है, इसको ऊपर भिजवाया जाता है खाना और पानी। और हालांकि लू के थपेड़ों से काफी ये परेशान भी है, क्योंकि दिन भर इतनी भयंकर प्रचंड गर्मी में 24 घंटे वहां ऊपर बैठे रहना बड़ी ही मुश्किल सी लगती है, लेकिन ये अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि जब तक मेरी मांग को नहीं माना जाता तब तक मैं टावर से नीचे नहीं उतरूंगा। और क्या कहना है प्रशासन के नुमाइंदों का, क्या कहना है इस बारे में? प्रशासनिक नुमाइंदों ने समझाइश के पूरे प्रयास कर दिए। हालांकि जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र का जो विधायक है वो भी वहां पहुंचा और उसने भी उसकी मांग को सरकार तक पहुंचाने की बात कही, लेकिन तक उसकी बात पर भी उसने विश्वास नहीं किया और ये कहा कि प्रशासनिक अधिकारी और ये नेता खाली बेवकूफ बनाने का काम करते। मैं आपको सुनील यहाँ ये बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले भी ये युवक इसी तरह टावर पर चढ़ा था, यही मांग पिछले 2 साल पहले भी इसकी हुई थी कि मुआवजा दिया जाए और जो फसल का मुआवजा नहीं मिलने के कारण ये 2 साल पहले भी टावर पर चढ़ चुका है। जी सुनील, चलिए आनंद, आप बने रहिए खबर के साथ और लगातार हमें अपडेट देते रहिए, धन्यवाद। जी हाँ, अक्सर जब फसलें खराब हो जाती हैं तो मजबूरी हो जाती है इस तरह से किसानों का टावर पर चढ़कर अपनी मांगों को मनवाना, क्योंकि एक किसान जब पूरी मेहनत के साथ फसल बोता है और वो जब ठीक नहीं होती या खराब हो जाती है तो उसके सामने जीवन और मरण के अलावा और कोई प्रश्न नहीं बचता। नसीराबाद क्षेत्र के देराठू गांव में पट्टा वितरण अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन गांव के अटल सेवा केंद्र पर किया गया, जिसमें किसान आयोग के अध्यक्ष और सांसद सांवरलाल जाट ने भी शिरकत की। सरपंच ने बताया कि पट्टा वितरण अभियान में देराठू गांव सबसे अव्वल रहा। उन्होंने बताया कि शिविर में 371 पट्टे बनाकर ग्रामीणों को बांटे गए हैं।
धौलपुर के सेपऊ की ग्राम पंचायत मढ़ा काकोली में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया। एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने राजस्व के पुराने पड़े लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, साथ ही पात्र लोगों से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम काटने की अपील की, जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच सहित एक व्यक्ति ने सूची से नाम कटवा लिया। एसडीएम ने दोनों का माला पहनाकर स्वागत किया। एसडीएम ने बताया कि राज्य में चल रही सरकारी योजना खाद्य सुरक्षा का जो गरीब है, निर्धन है और असहाय है, उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो वास्तविक रूप से इसके हकदार है। बाकी जो सक्षम लोग हैं उनको सहयोग करते हुए स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवा लेना चाहिए, जिससे गरीब को लाभ मिल सके। राजस्व शिविर में राजस्व विभाग के लोगों के पुराने एवं लंबित पड़े मामले भी आए, जिनका एसडीएम ने आपसी समझाइश कर मौके पर ही निस्तारण करवा दिया। शिविर में सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। अजमेर के नसीराबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मंगलवार को नगर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को विटामिन की खुराक पिलाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेहाना ने बताया कि शोभाराम मोहल्ला स्थित केंद्र पर 40 से ज्यादा बच्चों को खुराक पिलाई गई। उन्होंने कहा कि विटामिन ए बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, जिससे बच्चों को कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है। बारा के कस्बा थाना में तेज आंधी के साथ हुई बारिश से कई पेड़ धराशायी हो गए। वहीं विद्युत लाइनें टूट जाने से गांव में 2 दिन से बिजली आपूर्ति ठप है, इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जी हां, ठीक इसी प्रकार से बारा की तरह ही और भी कई जगह पर धूल भरी आंधियों में इसी तरह से हालात है। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र के गड़ी लज्जा गांव की दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने गांव में शराब, जुआ और सट्टे को बंद करने की पंचायत कर उपखंड प्रशासन से सहयोग की मांग की है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अवैध तरीके से बिक रही शराब को बंद करने की भी मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की अधिकांश युवा पीढ़ी शराब, जुआ एवं सट्टे में लिप्त होकर भविष्य खराब कर रही है, जिससे गांव के दर्जनों परिवार गर्त में जा रहे हैं। ऐसे में गांव के पंच पटेलों के साथ महिलाओं ने भागीदारी निभाते हुए गांव को शराब, जुआ और सट्टे से मुक्त करने का ऐलान किया है। साथ ही पंचायत ने किसी भी व्यक्ति के द्वारा शराब का सेवन करने पर जुर्माना वसूल करने का फरमान जारी किया है। हमारे गांव गढ़ीलज्जा में सभी पंच पटेलों ने पंचायत करके शराब, जुआ और सट्टा बंद करवाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के आधार पर हम प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भी एक एप्लीकेशन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी दे चुके हैं और ये नियमों की कॉपी भी आपके सामने प्रस्तुत है। अतः आप हमारे इन नियमों के आधार पर जुआ, शराब और सट्टा और 52 पत्तों का खेल बंद करवाने। गर्मी का मौसम, बिजली की कटौती, रमजान का महीना और पानी की मारामारी, कुछ ऐसे ही हालात हैं झुंझुनू की मुस्लिम बस्तियों के। परेशान 4 वार्डों और करीब आधा दर्जन बस्तियों के लोगों ने पीएचईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिलने पर लेखाकार को ही घेर लिया। इसके बाद जब ऐसी आए तो उन्हें घेर लिया और बताया कि एक ओर तो उनके यहाँ पर पिछले 1.5 माह से पानी नहीं आ रहा और दूसरी तरफ अधिकारी फोन तक भी नहीं उठाते, जिस पर ऐसी ने वार्ड वासियों से बातचीत की। इसके बाद आश्वस्त किया कि 1-2 दिन में ही मामले का समाधान हो जाएगा। उधर पार्षद इकराम भाटी ने अधिकारियों पर भाजपा नेताओं की शह पर मुस्लिम मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मोहल्ला खोरा वार्ड नंबर 34, 35, 33, 31 और वार्ड नंबर मोहल्ला खोरा और गोपीनाथ जी के मंदिर और मोहल्ला खतरियान, मोहल्ला चेजारान, पहाड़ वाली गली, मोहल्ला मुगलान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमने कई बार आईएन को एस सी साहब को भी पहले हमने 15 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक हमारे पानी की समस्या हल नहीं हुई।
आज दोबारा हम आई एस सी साहब के पास आए हैं पानी की समस्या को लेकर। रमजान का महीना चल रहा है, बहुत बुरा हाल है। सीकर के फतेहपुर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता विधायक नंद किशोर मेहरिया ने की, जिसमें बिजली, पानी, सड़क सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सदस्यों ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ठेकेदार 5,000 रुपए लेकर कनेक्शन कर रहे हैं। साथ ही सरपंच विद्याधर बागड़िया ने सभा में कई मुद्दों को उठाया। दौसा के महुआ में विधायक गोलमा देवी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और अनियमितताओं को देखकर चिकित्सकों को जमकर फटकार लगाई और परिसर की सफाई करवाकर अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के गिड़ा तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हरीश चौधरी और पूर्व राजस्व मंत्री हेमा राम ने फीता काटकर किया। इस दौरान पीसीसी सचिव रूपा राम धंधे, जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजधानी के चोमू कस्बे के उदयपुरिया मोड़ स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 31 मई को मेगा जॉब मेला 2017 आयोजित होगा। जॉब मेले में करीब 30 कंपनियों के द्वारा कैंपस प्लेसमेंट दिया जाएगा। व्यवस्थापक संदीप अग्रवाल ने बताया कि मेले में चोमू विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश भर से हजारों बेरोजगार युवा पहुंचेंगे। यूएम मैनेजमेंट के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ बिश्वजाय चटर्जी ने बताया कि जॉब मेले में बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने मेले में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए माकूल इंतजाम किए हैं। देखिए, ये जो जॉब फेयर है, इसमें करीब पूरा इंडिया से करीब 27 से ऊपर कंपनियां आ रही हैं। तो इससे क्या होगा, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, राजस्थान में हैं, जो जिसको जॉब के लिए वो तलाश कर रहे हैं, उस जॉब ढूंढ रहे हैं, वो लोग आके इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने से उसको क्या होगा, करीब 27 ऐसे कंपनियाँ हैं जो बच्चे को अभी ले रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो उन बच्चों को वो बिठाएगा, उनको जॉब देगा, तो उससे बच्चों को जॉब जरूर मिलेगा, फायदा मिलेगा। बारा के कस्बा थाना में एनएच 27 के पास चरागाह भूमि पर प्रशासन की लापरवाही के कारण दिनों दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ दबंगों द्वारा चरागाह भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं अतिक्रमियों ने इस भूमि पर कुछ कच्चे और पक्के अवैध निर्माण भी कर लिए हैं, लेकिन पंचायत प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अजमेर के नसीराबाद में 100 से अधिक गांव होने के बाद भी प्रशासन के पास दमकल नहीं है। अगर कहीं आगजनी की घटना होती है तो आग बुझाने के लिए प्रशासन को छावनी परिषद या फिर अजमेर से दमकल बुलानी पड़ती है। इसको लेकर कई बार लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अब प्रशासन ने एक पानी का टैंकर मंगवाकर रख लिया है, जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि जब टैंकर के बाद भी आग बुझाने के लिए दमकल बुलानी पड़ेगी, तो फिर प्रशासन ने टैंकर के बजाय दमकल ही क्यों नहीं खरीदी।
दरियाबाद उपखंड के मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपनी दुकानें बंद रखी। केमिस्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के ऑनलाइन दवा बिक्री नीति का विरोध दर्ज करवाते हुए अपने मेडिकल व्यवसाय 24 घंटे के लिए बंद रखे। साथ ही सरकार के इस फैसले को वापस लेने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। दवा विक्रेताओं के अनुसार ऑनलाइन दवा बिक्री से गलत लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, साथ ही नशे की लत के आदि लोग इसका गलत उपयोग करेंगे, जिसे लेकर इसका विरोध बहुत जरूरी है। मेडिकल स्टोर बंद होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की भारी भीड़ रही। सीकर के फतेहपुर में देशव्यापी हड़ताल के तहत मंगलवार को कस्बे के मेडिकल स्टोर बंद रहे। सरकार द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी एवं केंद्रीय ई पोर्टल से दवा वितरण बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद रखे। ऐसे मरीजों के परिजनों को दवाई के लिए खासी परेशानियां हुई। वहीं दवा विक्रेताओं ने तहसीलदार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अजमेर जिले के नसीराबाद चिकित्सालय में 15 दिनों से सोनोग्राफी नहीं हो रही, वहीं एक्सरे मशीन भी खराब पड़ी है। जानकारी के अनुसार रेडियोलॉजी डॉक्टर मुंशीलाल मीना 15 दिनों से जयपुर गए हुए हैं। निजी सोनोग्राफी सेंटर मालिक मनचाही रकम वसूल कर रहे हैं।